देखो गाइस पेचे गाड़ आई बो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज है 5 जून और अभी हो रहे 6:45। तो अभी एक्सरसाइज शुरू करने चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी, कमेंट भी, और प्यार चाहिए आप सबका, सपोर्ट गाइस, सपोर्ट। और गाइस अभी 64 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी 100 करवाओ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। तो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो गाइस एक्सरसाइज में आज योगा होगा, थोड़ा नॉर्मल वाला नहीं, एडवांस वाला योगा होगा, जिससे कि थोड़ी बैक का दर्द भी जाता है और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स महसूस करता है। तो एडवांस योगा करते हैं आज। योगा हो चुका है और आज तो मज़ा आया, रिलैक्स हो गई पूरी बॉडी। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो ये वाला योगा बिल्कुल कीजिए। वैसे जो फर्स्ट वाला योगा है वो भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा रिलैक्स करवाता है और पूरी बॉडी से दर्द दूर करवा दिया, एकदम माइंड भी रिलैक्स हो गया मेरा तो। तो अभी चलते नीचे, नहाएंगे और पूजा करेंगे। पर एक बार जाओ यार, कटिंग और ये तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनको देखते हैं, कल कटवा लेंगे इनको, कल बाबर शॉप पे जाएंगे। चलिए अभी चलते नीचे। सुबह से नाना हो चुका है, अब करते हैं पूजा। मैं सेविंग गुल्लक, इसमें मैं कैसे सेविंग करता हूँ अपनी, एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, जैसे आप भी सेविंग करना चालू करें। सो गाइस जो अभी आपने देखी वो मेरी सेविंग गुल्लक थी, और मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे पैसे सेव करूँ, क्योंकि सेविंग करना मेरे को बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। और बस मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि पैसा सेव कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से ऐसा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ कि मैं बाहर का कुछ हाथ नहीं लगाता, ना कुछ खाता बाहर का। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर का कम खाइए, मैं तो कहता हूँ खाइए मत, अगर आपकी इच्छा होती है महीने में बस एक बार खाइए या साल में एक बार, तो उससे आपकी बॉडी भी सही रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी सबसे मेन मैटर करती है, आपकी बॉडी कैसी है। तो आप
फिट रहेंगे, हिट रहेंगे, और यही, और नो डाउट्स हैव स्प्राउट्स, स्प्राउट्स जरूरी है गाइस। और स्प्राउट्स के लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप देख लेना कैसे मैं स्प्राउट्स बनाता हूँ अपने, क्योंकि वो ज़्यादा उसको स्प्राउट्स नहीं करना होता, कम थोड़ा थोड़ा कम ही करना होता है उसको, ज़्यादा स्प्राउट करेंगे ना तो अंदर से गल जाते हैं, तो वही चीज़ आपको पेट में भी फिर दिक्कत पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं करना होता उसको, बस मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, उसकी वीडियो बना दूँगा ना। तो अभी नहा लिए, पूजा कर लिए, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं गाइस आपसे। और हाँ गाइस, ये मैं सोचने में कोरोना वायरस की वजह से बोल रहा हूँ, ये मैं सही में फॉलो करता हूँ गाइस, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है। और एक चीज़ और, रात को भी खाना बंद कर दीजिए अगर फिट रहना तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी, पर मैं तो यही कहूँगा फॉलो कीजिए गाइस, फिट रहेंगे हिट रहेंगे। अब अपनी बॉडी को फिट रखें, बस मैं यही चाहता हूँ, और कोरोना वायरस तो चला जाएगा, पर आने वाली बीमारियाँ भी तो हैं गाइस, उससे कैसे बचोगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, तो सोचिए गाइस, सोचिए, सोचने से ही फ़र्क पड़ेगा, अपनी सोच बदलो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट। सो गाइस, आज शाम हो रही थी, आज सोचा कुछ प्लान अलग करें, थोड़ी पतंग वतंग उड़ाई जाए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट दिया जाए पतंग उड़ाने का, तो आ गई हमारी पतंग, ये देखिए, अब इसको उड़ाएंगे, वो भी है पर पहले ये उड़ाते हैं, चल रहे पकड़ पतंग उड़ाएं आज। तो गाइस, ये पतंग थोड़ी ना फट गई थी, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको चिपकाएंगे, अच्छे से इसको चिपकाएंगे, और ये चिपक चुकी है, डबल साइड टेप मार देंगे, डबल साइड टेप मारी, और इसके कन्ने चेक किए, एकदम बराबर होने चाहिए, देख लो गाइस बराबर है। अब इसे उड़ाने की तैयारी करते हैं, देखो गाइस कितनी ऊँची उड़ रही है, और सही उड़ रही है, बढ़िया पतंग है, कहना मानती है। पेचे लड़ रहे हैं गाइस, पहला पेचा, गाइस पहला पेचा कट चुका है, कोई नहीं, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या हुआ आपके साथ, पहली तो कट गई, अब दूसरी उड़ाते हैं, रुक जा, नहीं थी तो यहीं से छत पे पेचे लड़ा लिए, तो अब पहले बढ़ा के लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अभी ये काटते, वैसे उम्मीद तो है काट दूंगा, ढील ले यार, मस्त उड़ती हुई पतंग पे फोकस करो, तो गाइस जब भी उड़ाए ना आप, तो कम से कम बढ़ा के ही लड़ाना, इसमें भी क्योंकि फायदा होता है अपना, यहाँ तो मैंने छत से, पहली वाली तो छत से ऐसी पेचे लड़ा लिए थे, वो गलती कर दी थी मैंने, पर इस बार तो बढ़ा के लगाएंगे,
फोकस करिए फोकस, इसकी काटनी है। तो गाइस मैंने एक पतंग काट ली है, एक बोनी बट्टा हो गया। तो गाइस एक और पतंग आती हुई, मारूंगा इसको भी, मारूंगा रुको। ये पतंग हवा के विरुद्ध जा रही है, संभल नहीं रही। ये देखो कहाँ जा रही है, हवा में लाते हैं इसको पहले। देखो गाइस हवा कहां से कहां ले आई पतंग को। तो गाइस नई पतंगें करने बन रहे हैं अब, ये तो हवा तो चल रही चल रही चल रही चल रही हवा चल रही चल गई वही चल गई, और तुम उड़ाएंगे अब उड़ जाएगी। देखो गाइस पहले हवा इधर की थी, फिर इधर की हो गई, अब इधर की है। तो भगवान भी हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हम भगवान के साथ गेम खेलेंगे अभी। हद होती तेरी यार। क्या कर ही लिया था। गाइस बढ़िया पतंग है, मजे आएंगे इसको उड़ाने में। पिछली बार भी तूने यही कहा था। वीडियो में तो क्या हो गया भाई ने भाई की बेइज्जती कर दी। गाइस वो पतंग अटक गई थी तो इसलिए, पर इस बार मेरा मेन फोकस यही है कि सबकी पतंग काट दूं। दूर दूर तक जाएंगे जहाँ तक मंजा जाएगा। जब हमारे घर में ना ऐसे टंकी के पाइप नहीं होते, तो टंकी के पाइप में लगा होता है वो होल होता है। हाँ, तो वहाँ चरखड़ी गाड़ दी, चरखी गाड़ दो और आराम से अपना उड़ाते रहो। अकेले इंसान उड़ा सकता। अच्छा ये वही है बच्चा था, ये बहुत दिन से काट रहा है। गाइस अभी नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ पहले बढ़ाओ, अच्छे से बढ़ानी है पहले। गई अब पता तो लगे। गई गाइस गई, आई वो पता ही नहीं चला। देखो ऐसे पेचे काटने आपने, ऐसे पेचे काटने पता ही ना चले। देखो गाइस पेचे काट, आई वो अरे यार कोई तो आओ। तीन पैसे काट लिए, अब मेरा भाई उड़ाएगा और मैं थोड़ा। सो गाइस वो हमारी पतंग है, ये पतंग हमारी है और ये
एक बंदा है, एक और लेन चल काट, इसकी काट, खींच से ले जा इसकी। अभी हवा नहीं चल रही गाइस, यहाँ से धूप भी पड़ रही है, सन देखो कितना प्यारा लग रहा है, और इधर दो तीन पतंगे उड़ रही है, एक यहाँ पे भी उड़ रहा था वो ये रहा। सो गाइस भाई ने उतार ही दी यहाँ पे अटका थी पतंग, और पतंगे देखो कैसे उतर गई है सारी, बोल रहा है। पूरा आसमान साफ हो गया, तूने ही अटकाई है अभी। अच्छा, अच्छा अच्छा कर रहा है ये देखो, पूरा आसमान साफ हो चुका है, हवा ही नहीं चल रही है बिल्कुल भी। और तो हमने सोचा क्रिकेट ही खेल लेते हैं अपना, वही बेस्ट है। सो गाइस ये छोटा मोटा ब्लॉग था पतंगबाजी का, तो अभी क्रिकेट खेलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्रिकेट की तरफ रुख मोड़ लिया अपना और क्रिकेट खेलेंगे अब। ऑडियंस पतंगबाजी तो बेकार है यार, हवा ही नहीं आ रही, क्रिकेट ही बेस्ट है गाइस, क्रिकेट ही बेस्ट है यार। अंडे में डंडे में बीच में ओ भाई, ये क्रिकेट बेस्ट है गाइस। इस बॉल पे आउट हो जाता ना मजा आता है। बोल के खेल, डंडे में चाहिए, डंडे में यही बॉल ऐसे बीच में सीधा मार चड्डो। पतंग उड़ा ली, क्रिकेट खेल लिया, नहा भी लिया और तेल भी लगा लिया सर पे, और अभी खा रहे हैं हम स्प्राउट्स। तो आज के लिए इतना रखते हैं बस, हवा ने बहुत दिक्कत दी पतंग उड़ाने में, इसलिए मैं ज़्यादा वो उड़ा नहीं पाया पतंग। तो कोई नहीं, अगली वीडियो में उड़ा लेंगे, या अभी मंडे से मैं सुन रहा हूँ खुल रहा है, तो अभी जॉब का भी चक्कर है, जॉब पर जाना पड़ सकता है, तो कोई नहीं, हम वहाँ भी ब्लॉग करेंगे अपना। तो आज के लिए इतना रखते हैं बस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद। माँ को नींद नहीं आती आजकल, उसको बेटे की जरूरत है, वो जो उसके घर तक पहुंचता है पुल टूट गया है, उस जर्जर पुल को चल बनाते हैं, उसके बेटे को ले आते हैं, चल जरूरत में जरूरी हो जाते हैं।